हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुंजन। स्वागत है आपका हेल्दी डिशेज में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग दाल चीला। मूंग की दाल के चीले कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, बच्चों को मूंग दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मूंग की दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत हेल्दी होती है, पर इसको कोई खाना नहीं चाहता है। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसको चीला की फॉर्म में टेस्टी कैसे इसको बनाया जा सकता है। बच्चे आराम से बहुत टेस्ट के साथ इसको खाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल का चीला बनाने के लिए हमने ये 8 घंटे मूंग की दाल भिगो दी थी। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। दाल के साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाला है। और मैंने ये करी पत्ते डाले हैं, 8-10 करी पत्ते डाले हैं। और मैंने ये 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर डाला है। आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक का टुकड़ा डाला है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इसका पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से, नमक डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी है जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं ना, उसी टाइप से। तवे पे मैंने ऑयल लगा लिया है। अब टिश्यू से इसको, ऑयल को पूरे तवे पे अच्छे से फैला देंगे और इस पे पानी डालेंगे थोड़ा सा, जैसे हम डोसा बनाते हैं ना उसी तरीके से, उसके टेम्परेचर उसका नॉर्मल करने के लिए। तवे का तवा मैंने साफ़ कर लिया है टिश्यू से। अब मैं इस पे मिक्सचर डालूंगी जो मैंने बैटर बनाया था। अब मैं हल्का सा इस पे ऑयल डाला है मैंने किनारों पे। अब इसको कवर कर देंगे लिड से। लगभग 1 मिनट तक इसको कुक करेंगे। इसे खोल के देखते हैं, लिड को हटा के देखते हैं। देखिए, हल्का हल्का सा ब्राउन दिख रहा है ये हमारा, इसका मतलब ये सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे दूसरी साइड सीखने के लिए। चीला हमारा दोनों साइड सीख चुका है अच्छे से। ये देखिए, बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। मैंने ये नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।